पावर टू है, तो इसमें दो बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसको स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। देखा यहाँ पे माइनस की संख्या कितना है, माइनस कितना बार लिख सकते हैं इसको, दो बार यानी दो, यानी इवन नंबर, यानी इसका प्लस हो जाएगा। आपका अगला हो जाएगा, इसका बी पावर का है माइनस टू, यानी मिडिल ब्रैकेट का बी पावर कितना है, माइनस माइनस टू है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका पावर को पॉजिटिव करने के लिए नाइन बाई फोर लिख देंगे। नाइन बाई फोर जब लिख दिए, अब फिर आपका ये मिडिल ब्रैकेट के पावर टू हो जाएगा, यानी नाइन को दो बार यानी कितना, इक्यासी हो जाएगा, चार को दो बार यानी आपका सोलह हो जाएगा। आपका फर्स्ट नंबर का आंसर कंप्लीट। और सही क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका जो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ये आपका है, सबसे पहले बिग ब्रैकेट है, उसके बाद से है आपका मिडिल ब्रैकेट है, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद से दिया है माइनस वन बाई थ्री, फिर इसका भी पावर स्मॉल ब्रैकेट का पावर कितना है, टू है, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट का पावर कितना है, माइनस टू है, फिर बिग ब्रैकेट का पावर कितना है, माइनस वन है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के पास आते हैं स्मॉल ब्रैकेट के पास, आ गया स्मॉल ब्रैकेट यानी माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री यानी वन का तो वन हो जाएगा, थ्री का नाइन हो जाएगा, यानी माइनस की संख्या इसमें क्या है आपका, इवन नंबर है तो प्लस प्लस में ही आ जाएगा। अब फिर आपका बिग मिडिल ब्रैकेट का पावर माइनस टू, फिर बिग ब्रैकेट का पावर माइनस वन। अब फिर हम सॉल्व करेंगे, तो फिर अब हम किसको सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को, तो इसको मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या है, माइनस है ना, जिसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, तो नाइन के पावर पॉजिटिव कर देंगे, कर दिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव करने के लिए अंदर का जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, फिर सब ये उसके पास है बिग ब्रैकेट का पावर का है माइनस वन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, नौ का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है 81, और फिर बिग ब्रैकेट के पावर माइनस वन, इसको भी प्लस करने के लिए क्या करेंगे, वन बाई 81 कर देंगे, आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस टू, ये स्मॉल ब्रैकेट है, अब इसके बाद से इसमें है आपका बिग ब्रैकेट, सॉरी मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का पावर क्या है, टू है। इसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट का पावर कितना है, माइनस टू। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग मिडिल ब्रैकेट लिख देते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट का पावर माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अंदर का फ्रैक्शन जो है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो यह इसका पावर टू हो गया, फिर ये मिडिल ब्रैकेट का पावर टू हो गया। अब क्या करेंगे हम, टू को दो बार मल्टीप्लाई यानी फोर हो जाएगा, थ्री को दो बार यानी नाइन हो जाएगा। अब बच गया मेरा मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का पावर फिर टू है, तो चार का स्क्वायर सोलह, फिर नौ का स्क्वायर 81। आपका फोर नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव पे। अब तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या कह रहा है, ये मिडिल ब्रैकेट और इसमें स्मॉल ब्रैकेट, दो ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले मिडिल ब्रैकेट लिख देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, वन बाई थ्री है, और इसका पावर क्या है, माइनस थ्री, इसको प्लस करने के लिए थ्री का पावर थ्री कर देंगे, ब्रैकेट लगा दिए। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, करने के लिए इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए माइनस, अगर यहाँ पे इसका पावर माइनस है ना, क्या करेंगे, माइनस टू लिख देंगे, सॉरी टू लिख देंगे, इसका पावर थ्री कर देंगे, क्योंकि अगर माइनस है तो इसको हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, बाई में वन तो लिखते नहीं है, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिए। फिर यहाँ पे आपका मिडिल ब्रैकेट डिवाइडेड वन बाई फोर के पावर माइनस थ्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, थ्री, अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को इसको हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, थ्री पावर नाइन हो जाएगा, थ्री पावर सॉरी 27 हो जाएगा, थ्री है तो तीन तरीका नौ, थ्री 27 हो गया, और टू के पावर थ्री यानी एट हो जाएगा। अब आपका इसमें से स्मॉल ब्रैकेट रिप्लेस हो गया, खत्म हो गया। इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फोर के पावर थ्री कर सकते हैं, क्योंकि रिसिप्रोकल कर दिए दोस्तों। वहाँ पे हम ब्रैकेट का काम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, 27 में हटाएगा कितना बच गया, 27 में से आपका 8 जाएगा, तो दोस्तों आपका बचेगा कितना, तो आपका 8 हो गया 19 बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, 19 बचेगा, 19 बच गया डिवाइडेड, अब 4 का क्यूब कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, 16 यानी 64 हो जाएगा, 64 हो गया दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा, 19/64 हो जाएगा। आपका 5 नंबर का आंसर कम्प्लीट। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इवेल्यूट करना है इसको भी, तो सबसे पहले क्या है इसमें, मिडिल ब्रैकेट, उस पास है स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसके अंदर है 4/3 के पावर माइनस वन, फिर माइनस 1/4 के पावर माइनस वन, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट के पावर माइनस वन, यानी मिडिल टोटल ब्रैकेट का पावर क्या है, माइनस वन है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, बस मिडिल ब्रैकेट को पहले नोट कर देते हैं एज यूजुअल। अब इसको
जो स्मॉल ब्रैकेट है 4/3 है, इसके पावर माइनस वन है, माइनस वन इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, कर दिए, माइनस 1/4 है ना, इसको भी करने के लिए क्या कर देंगे, 4/1 यानी वन, यानी इसका भी हो गया कंप्लीट। देखिए दोस्तों यह 2/3 रहता, फिर ब्रैकेट लिखते हैं, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का पावर माइनस वन, अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 4 यानी 3 1 3, 1 4 4 4 यानी 4, आपका ये हो गया माइनस वन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1/4 हो जाएगा दोस्तों, और -1/4, अब फिर इसका पावर क्या हो जाएगा आपका, -1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो -1/4 है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिस्टेक किए हैं, वन का पारा में चार चार बार में आता है, तो 4 चौका पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा ना, 16 यानी 16 में से 3 का तो कितना बचेगा, 13, -13। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे पता है, -13/4 यानी -1 है ना, प्लस करने के लिए करेंगे 4/13 कर देंगे, इसका तो माइनस वैसे ही रहेगा, ये भी आपका 6 नंबर का आंसर कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं ये क्वेश्चन पे, 7 नंबर पे बिग ब्रैकेट है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, चलिए उसको रखते हैं, 5^-1 है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, 5^-1 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 1/3 लिख सकते हैं, अब फिर टोटल का ब्रैकेट क्या है, -1 है दोस्तों, फिर डिवाइड है, फिर 6^-1 है, फिर आपका बिग ब्रैकेट है, इसमें बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट 1 × 1 1, 3 × 5 = 15 दोस्तों, इसका भी पावर -1 है डिवाइडेड, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, 15 कर सकते हैं क्योंकि अब तो पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड 1/6 आपका बिग ब्रैकेट 15 डिवाइड है ना बाबू दोस्तों, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 6 ऊपर 1 नीचे दोस्तों, ये आपका हो गया, यानी इसका आंसर 15×6 = 90, यानी 7 नंबर का आंसर दोस्तों 90। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन।